सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपसे जो है फिफ्थ हाउस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। कुंडली में जो पांचवा घर होता है, पांचवा हाउस जो होता है, वो किस चीज से रिलेटेड होता है, उसमें जो प्लेनेट होते हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। देखिए, फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ हाउस आपका, वैसे देखा जाए तो फिफ्थ हाउस आपका किसका होता है? फिफ्थ हाउस आपका लर्निंग का होता है, फिफ्थ हाउस आपका टीचिंग का होता है, फिफ्थ हाउस आपका जो है स्पोर्ट्स का होता है, आपका जो है लव मैरिज का होता है, प्रेम प्यार का होता है, आपके एंटरटेनमेंट का होता है, आपके हॉबीज का होता है, शेयर्स का होता है, बहुत चीज़ों का होता है फिफ्थ हाउस। लेकिन इन जनरली हम देखें तो फिफ्थ हाउस जो है हमारे पूर्व जन्म का होता है। पूर्व जन्म से मतलब क्या है? ऐसा काम जो हम पिछले जन्म में करा है हमने, लेकिन वो अधूरा रह गया है, वो हमारा काम पिछले बर्थ में, पिछले जन्म में, वो हमें इस जन्म में पूरा करना है। ठीक है, तो वो प्लेनेट जो है आपका फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाता है। जो आपका काम अधूरा रह गया है वो आपको इस जन्म में पूरा करना है। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपका प्रैक्टिस का है, आपके अभ्यास का है। तो जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा फिफ्थ हाउस में, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और फिर उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले पिछले जन्म में आप उसको कर चुके हो, बस इस जन्म में थोड़ा सा उसे प्रैक्टिस में लाना है, बस इतना आपको करना है। ऑटोमेटिक वो चीज आपके दिमाग में पहले से ही है, ऑटोमेटिक वो चीज प्रोग्रेस में आ जाएगी। ठीक है, जैसे कहते हैं कि हम जैसे आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कई लोग क्या है कि यूट्यूब से बहुत कुछ सीख लेते हैं, बस थोड़ा सा उन्हें जो है गाइडेंस मिल जाए, फिर वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज, सेम चीज यहाँ है। तो अब इसको कैसे रिलेटेड करें हम, अभी एक चीज समझिए आप कि मानो फिफ्थ हाउस में आपका मून बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। ठीक है, तो आपके जो शौक हैं वो आपके मून से जुड़ गए। तो पिछले जन्म में आप जो है लोगों के मन की बातें तुरंत जान लेते होंगे, लेकिन वो चीज रुक गई है वहीं पे आके। तो अब इस जन्म में आपको क्या करना है? इस जन्म में आपको मून से रिलेटेड ही एजुकेशन लेनी है, मून से रिलेटेड चंद्रमा के जो सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी वगैरह, उसको लेना है, उसमें परफेक्ट करना है। तब इससे रिलेटेड ही आपको आके काम करना है इस जन्म में। ठीक है, जो आप जिससे ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोई काम जिससे आप लोगों के मन की बातें सुन के उन्हें गाइड कर सकें, है ना? ऐसे बहुत से कोर्स होते हैं कि हम सामने वाले के मन की बात पढ़ के उनके बारे में बताते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं कि आप ये काम करिए। ठीक है, तो वो आपको काम करना है जब फिफ्थ हाउस में मून बैठता है। तो मून हो गया, चंद्रमा हो गया। अब फिफ्थ हाउस में यदि आपको कौन बैठता है? मंगल बैठता है। फिफ्थ हाउस में यदि मंगल है तो पिछले जन्म में आपने कोई आर्मी ज्वाइन करी होगी, कोई, जैसे मंगल क्या है? मंगल आपका जो है सेनापति का नंबर माना जाता है, ग्रह माना जाता है, तो सोल्जर का इसे कारक माना जाता है, तो एनर्जी, फुल एनर्जी जिसे कहते हैं। तो इस जन्म में आपको मंगल से रिलेटेड ही कोर्स, सॉरी, मंगल से रिलेटेड ही एजुकेशन करनी है, उसमें परफेक्टनेस लानी है और फिर इसको ही अपना आगे करियर बना लेना है। ठीक है, अब इसमें आपका वास्तु भी आता है, मंगल, मंगल ग्रह के ही कारक है वास्तु। तो यदि आप वास्तु करते हो, वास्तु से रिलेटेड एजुकेशन लेते हो, उसको अपना आगे जो है इस जन्म में पूरा करते हो, तो वो आपका एक पॉजिटिव रूप है मंगल का। ठीक है, तो वास्तु भी कर सकते हो आप। इसके अलावा जो भी मंगल के कारक तत्व है, मंगल से रिलेटेड आपके जैसे प्रॉपर्टी है, लैंड का है, ये जो भी इसमें आते हैं, वो सब आप कोई भी काम मंगल का कर सकते हो। उसमें परफेक्टनेस ला सकती है इस मंगल से रिलेटेड, थोड़ी सी जानकारी लेके उसमें आप परफेक्ट बन सकते हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा यदि हम लेते हैं मंगल के बाद, मान लो हम लेते हैं बुध को। बुध क्या है? बुध आपका जो है आपकी बुद्धि का कारक है, आपकी इंटेलिजेंस का कारक है। तो बुध यदि है तो ये तो आपको पता ही है कि बुध बुद्धिमान इंसान हो गया। जिसके फिफ्थ हाउस में बुध होगा वो ऑटोमेटिक अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट कर लेता होगा। ठीक है, बुद्धि बहुत तेज है, बहुत शार्प माइंड होता है इनका। तो ये सीए है, कमीशन एजेंट्स हैं, ऐसे जो जितने भी आपके जो हैं, जो ये कमीशन एजेंट्स वगैरह होते हैं, एलआईसी वगैरह में जो काम करते हैं, बैंकिंग के काम है, बैंकिंग सेक्टर के, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आप इसको कर सकते हो, बहुत परफेक्टनेस, बुद्धि से रिलेटेड कोई भी काम जो है आप इसमें परफेक्टनेस से कर सकते हो। बुध के बाद आगे बात करें, अगर गुरु है फिफ्थ हाउस में आपका, फिफ्थ हाउस में गुरु होने पर क्या है? गुरु क्या है आपका? गुरु तो साक्षात टीचर है, गुरु यानी कि एक कहते हैं सलाह देने वाले, आपको मार्ग दिखाने वाले। तो पिछले जन्म में
भी आपको नॉलेज थी मार्क दिखाने की लोगों को, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, वो अधूरी रह गई है, जो इस जन्म में आपको पूरी करनी है। लोगों को आपको गाइडेंस देनी ही देनी है, ठीक है? और अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर अगले जन्म में फिर ये आपका रह जाएगा, ठीक है? तो आपको इस जन्म में क्या करना है, आपको अगर गुरु बैठा है फिफ्थ हाउस में, जुपिटर बैठा है, तो आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है और ज्ञान लोगों को देना है। लेकिन ध्यान आपको एक चीज रखनी है इसमें, कि अगर गुरु के संग राहु यदि जुड़ा हुआ है, तो गुरु राहु यानी कि चंडाल योगी से बोलते हैं, किसी भी तरीके से है, आपके 1, 5, 9 के ट्राइन में है, या आपस में दोनों दृष्टि रिलेशन है, न क्या बोलते हैं उसे, दृष्टि संबंध है, एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग यदि कोई चीज ऐसी बन रही है, चांडाल योग जिसे बोलते हैं, तो उसमें खास ध्यान रखना है कि आपको जब तक कोई सलाह नहीं मांगे तब तक सलाह नहीं देनी है, नहीं तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है? इन चीजों को भी थोड़ा देखा जाता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपको लोगों को गाइड करना है, लोगों को मार्गदर्शन करना है, ये पक्का है, ठीक है? गुरु के बाद आगे चलते हैं। गुरु के बाद मान लो आपका क्या आ जाता है, आपका शुक्र आ जाता है। तो शुक्र, शुक्र तो आपको पता है, शुक्र तो शुक्र ही है, आपका टोटली जो है, जितना भी इंटीरियर है, जितना भी आपका लग्जरी आइटम्स है, ये सब शुक्र में आते हैं, आपके इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह ये सब शुक्र में आते हैं। तो आप इससे रिलेटेड, ये आपके पिछले जन्म का रह गया है, इस जन्म के शौक है, ये आपको अभी इस समय में पूरे करने हैं, ठीक है? तो आप इनसे रिलेटेड करिए कोर्स और पढ़ाई करिए, और फिर उसको अपने आगे करियर बनाइए, क्योंकि ये काम आपका अधूरा रह गया है, ठीक है? और ऐसे ही अगर आपके फिफ्थ हाउस में शनि है, तो शनि, शनि का मतलब क्या है, शनि आपका कह सकते हैं कि शनि आपके कर्म है, पिछले जन्म में आपको कर्म करने थे, वो नहीं किए आपने, और इस जन्म में आपको ये करने ही करने हैं। और फिफ्थ हाउस में यदि आपका शनि है, तो उसकी सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप जो है एस्ट्रोलॉजी करिए, ज्योतिष बनिए। अगर मून है तो भी आप ज्योतिष का काम कर सकते हैं, और मंगल है तो आप वास्तु का काम करिए, लेकिन अगर शनि है तो भी आप एस्ट्रोलॉजी का काम करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसकी गाइडेंस देने लोगों को चालू करिए, सीखिए पहले उसे, और उसे आप बहुत जल्दी सीख लेंगे। फिफ्थ हाउस में यदि शनि है तो बहुत जल्दी आप इसको सीख लेंगे, और तब उसे आगे अपने करियर में ले सकते हैं। इसके अलावा जो शनि से रिलेटेड जितने भी काम है उसको आप इसमें कर सकते हैं इंक्लूड, ठीक है? इसके बाद जो है आगे हम चलते हैं। शनि के बाद क्या है, सन है, फिफ्थ हाउस में आपका सूर्य है, तो सूर्य होने पे आपको क्या करना है, सूर्य होने पे आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी टेंडर्स वगैरह जैसे होते हैं, जैसे कहते हैं कि आप कोई भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें आप गवर्नमेंट को ऐड करके करिए, सरकार से आपको जुड़ना है किसी भी तरीके से, जैसे कही होती है कि 12th के बाद सीधा जो है हमने गवर्नमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दी, वही एम रखी है, क्योंकि वो आपका पिछले जन्म में रह गया, इस जन्म में आपको पूरा करना है, ठीक है? और वो होता है, अगर आप नहीं करोगे तो किसी ना किसी रूप में आपके संग जुड़ेगा जरूर वो गवर्नमेंट, और अगर आपने उसको नेग्लेक्ट करा, उसको दिमाग में से हटाया, तो फिर वो आगे के लिए रुक जाएगा, फिर आगे फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद जो है राहु की बात करते हैं। राहु यदि फिफ्थ हाउस में है तो ये एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कैसे समझे, कि अगर नेगेटिव कैसे हो गई है, कि स्पोर्ट्स है, ये शौक है, ये आपके शौक है, आपकी हॉबीज हैं, तो आपका अगर मान लो साइन गलत हुआ, राशि गलत हुई, तो हो सकता है आपका जो है राहु नेगेटिव रूप में आपके संग चले, ठीक है? लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो आप स्पोर्ट्स का भी घर होता है ना, क्योंकि ये तो आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हो। आप हर चीज को इसमें, बस ये ध्यान रखना है कि आपको हर चीज को योजना बना के काम करना है, हर चीज को देख परख के काम करना है, किसी भी गलत हैबिटेशन में नहीं जाएंगे तो ये राहु आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है? इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और फिफ्थ हाउस में यदि आपका केतु है, तो केतु तो ये समझ लो एक बहुत ही पॉजिटिव है, वो एक इतनी उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो इंसान को सामने देख देख के आभास होने की जो क्षमता है, वो बहुत पावर होती है उसकी, एक पावर कह सकते हैं हम, कि उसको ऐसा आभास होता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, वो सही है कि गलत है, वो उसमें ऑटोमेटिक होते हैं, वो पिछले जन्म से आ रही है चीज। इस जन्म में यदि उसने मेडिटेशन स्टार्ट कर लिया, फिफ्थ हाउस में किसी के केतु है, उसने मेडिटेशन स्टार्ट कर लिया, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, उसको सामने रखी चीज ऐसी दिखती है कि वो बंदा क्या करने जा रहा है, किस 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 कारण से वो मेरे सामने बैठा हुआ है, क्या चाहता है वो, क्या सोच के आया है वो मेरे पास, वो सब चीजें उसको क्लियर दिखती हैं। एक जैसे शीशे में हम अपनी इमेज देखते हैं, ठीक ऐसे उसे दिखाई देती हैं चीजें, अगर फिफ्थ हाउस में केतु है तो,
लेकिन चीज वही है कि आपको थोड़ा सा इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। राहु केतु के लिए हमें इन्हें पॉजिटिव बनाना पड़ता है। और राहु केतु ही नहीं, कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठे हैं, उनको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम अपने आप से बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में ही है। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है उसको कैसे आपको जो है अपने कर्मों के अकॉर्डिंग उसे सेट करना है, उम्मीद है आपको इस चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं, और अगली वीडियो में हो सकता है कि फिफ्थ के बाद जो है कोई और हाउस हम पकड़ के बैठे हैं। अभी अचानक से एक क्वेरीज आई थी तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि फिफ्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो आप मतलब इतना होना चाहिए कि कोई भी हम अगर हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप दूसरे इंसान से पूछें ही और तभी वो इंसान कुछ होता है, कुछ बेसिक नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। फिफ्थ हाउस है तो इसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है, हमें क्या करना चाहिए, इतना छोटा छोटा काम तो आप खुद भी कर सकते हो जिससे कि जिसके लिए आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।